दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रंजीत ने पर्दे पर कई खूंखार रोल्स किए। वो विलन के तौर पर इंडस्ट्री में पहचाने जाते हैं। उन्होंने इंडस्ट्री में तमाम बड़े स्टार्स के साथ काम किया और विलन के रोल में खूब सुर्खियां भी बटोरी। वहीं हाल ही में रंजीत ने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड के दिग्गज सितारों को लेकर कई अनसुने किस्से शेयर किए। उन्होंने बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन यानी राज कपूर को लेकर भी ऐसी बातें बताई जो किसी ने आज तक नहीं सुनी होगी। दरअसल एक हालिया इंटरव्यू में पर्दे पर अपने खलनायक के रोल्स के लिए मशहूर दिग्गज एक्टर रंजीत ने राज कपूर के साथ उनके स्टूडियो में हुई अपनी पहली मुलाकात को याद किया। साथ ही एक्टर ने कहा, जब मैंने आरके स्टूडियो में एंट्री की तो मैंने राज कपूर की फिल्मों में एक्टिंग करने वाली सभी एक्ट्रेसेस के लाइफ साइज कटआउट देखे, पर जैसे ही वहां राज कपूर आए तो उन्होंने कहा, माफ करो रोनी जी, वो बेहद गुड लुकिंग थे, उनका रंग गोरा था और गाल लाल थे, उसकी आंखें हल्की थी। तो वहीं रंजीत ने राज कपूर के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया। रंजीत ने बताया कि राज कपूर ने मुझे मेरा नाम जोकर फिल्म की एल्बम दिखाई और बताया कि उन्होंने फिल्म की हीरोइन को गोद में बिठाकर सीन समझाया। ऐसा करते समय वो फ्लर्ट नहीं करते थे। जब वो एक्ट्रेस को अपनी गोद में बैठने के लिए कहते थे तो वो उन्हें पुत्र कहकर बुलाते थे। आपको बता दें, मेरा नाम जोकर फिल्म 1970 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर, पद्मिनी, सिमी ग्रेवाल, मनोज कुमार और धर्मेंद्र ने अहम रोल प्ले किया था। इस फिल्म को राज कपूर ने ही डायरेक्ट किया था। मेरा नाम जोकर राज कपूर की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने यंग राज कपूर का रोल प्ले किया था और एक्टिंग डेब्यू भी था ऋषि कपूर का। इस फिल्म को बनने में 6 साल का वक्त लगा था। कहा जाता है कि मेरा नाम जोकर को बनाने के लिए राज कपूर को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा था। वहीं जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो दर्शकों को ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाई थी। हालांकि बाद में ये हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म बन गई, जिसके गाने आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं और वो डायलॉग द शो मस्ट गो ऑन तो आज भी हर किसी की लाइफ के लिए फिट बैठ ही जाता है। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को।